ये देखिए दोस्तों, ये लीफ कंपोस्ट है। इसको हम छान कर अलग कर रहे हैं, जो हमारे गमलों के लिए उपयोगी होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी एडेनियम के पौधे हैं छोटे, जो कि मदर प्लांट से उगाए गए हैं सीड्स के थ्रू। इनमें आप देख लीजिए, कुछ प्लांट्स बड़े हो गए जिन्हें हमने रिपोर्ट कर दिया था छोटे छोटे गमलों में, और जो रह गए थे उनको आज हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इनमें देख सकते हैं आप, वो वाले अभी बहुत छोटे हैं। पॉटिंग की तैयारी पूरी है। ये बजरी और बालू का मिक्सचर है, और ये आपको हम दिखा चुके हैं कंपोस्ट लीफ है। इनको हम ऐसे ऐसे छोटे गमलों में, 6-6 इंच के गमलों में रिपोर्ट करेंगे। अब हम लीफ कंपोस्ट के साथ मिट्टी को मिला रहे हैं, ताकि एक परफेक्ट सॉइल बन सके हमारी रिपोर्टिंग और एडेनियम के लिए। ये एंटी फंगल पाउडर है, जिसको हम मिट्टी में ही मिला रहे हैं डायरेक्ट। और ये जो हमने अभी मिक्स किया है, ये बजरी और बालू का मिक्सर था, इसमें मिक्स किया है। इसमें हम थोड़ी सी नीम की खली को भी मिला रहे हैं। ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे सॉइल को। गमले के ड्रेनेज होल को ब्लॉक करने के लिए हम छोटे छोटे कंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे रिस्की पार्ट यही है कि हम कैसे एक एक पौधे करके निकालें। हमने पूरे पॉट को ही ढीला और कमजोर कर दिया है, ताकि हम पौधे को आसानी से निकाल सकें। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स ग्रोथ हुई है। इन पौधों को हम तब तक छांव में रखेंगे जब तक इनके रूट सेटल नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ और भी और वीडियोस के लिए। कीप गार्डनिंग। थैंक यू।